हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे आप सबके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जीके एनजीएस की हम कंप्लीट तैयारी को लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं पता था तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोज़ ला रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन दोस्तों आप सबके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे डेली पहुँचते रहें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गुप्त काल के क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। गुप्त काल का टाइम पीरियड दोस्तों 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व है। इसके पहले हमने इसके दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और उन वीडियोस को देखिए। ये गुप्त काल का आज लास्ट वीडियो है, इसके बाद आपका जो गुप्त काल का टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस एक पत्तन से संचालित होता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। फर्स्ट ऑप्शन ताम्रलिप्ति, सेकंड ऑप्शन भड़ौस, थर्ड ऑप्शन कल्याण एंड फोर्थ ऑप्शन काम्रे। तो दोस्तों, उत्तर भारतीय व्यापार गुप्त काल में किस एक पत्तन से संचालित होता था। ताम्रलिप्ति से संचालित होता था। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। फर्स्ट ऑप्शन रूपक, सेकंड ऑप्शन करसापण, थर्ड ऑप्शन दिनार एंड फोर्थ ऑप्शन पण। तो दोस्तों, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था एंड सोने के सिक्कों को क्या कहते थे, हम दिनार कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड एक तरफ नाम दिया गया और एक तरफ उनका जो क्षेत्र है वो दिया गया है, विशाख दत्त, वराहमिहिर, चरक एंड ब्रह्मगुप्त। तो दोस्तों, विशाख दत्त क्या थे, विशाख दत्त जो है वो नाटककार हैं एंड वराहमिहिर कौन है दोस्तों, वराहमिहिर जो है वो खगोल विज्ञान के ज्ञाता है एंड चरक कौन है, चरक चिकित्सक है एंड ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ है। तो यानी ए का क्या हो गया दोस्तों, ए का आपका दो, बी का तीन, सी का एक एंड डी का चार। ये क्रम आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ए का दो, बी का तीन, देखिए ए का दो यहाँ पे है, कहाँ पे है दोस्तों, ए का दो आपको यहाँ पे भी है और यहाँ पे बी का एक है यहाँ पे, लेकिन बी का क्या होना चाहिए, तीन होना चाहिए, सी का एक एंड डी का चार। यानी आपको दोस्तों थर्ड वाला जो ऑप्शन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। फर्स्ट ऑप्शन धारवाड़, सेकंड ऑप्शन वाराणसी, थर्ड ऑप्शन उज्जैन एंड फोर्थ ऑप्शन विदिशा। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र उज्जैन था। आपका थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास की किस कृति को की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका ऋतु संहार, सेकंड ऑप्शन मेघदूतम, थर्ड ऑप्शन अभिज्ञान शकुंतलम एंड फोर्थ ऑप्शन कुमार संभवम। तो दोस्तों, आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। फर्स्ट ऑप्शन कुषाण युग को, सेकंड ऑप्शन गुप्त युग को, थर्ड ऑप्शन मौर्य युग को एंड फोर्थ ऑप्शन वर्धन युग को। हमसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जो गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, गुप्त युग को जाता है। आपका जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्ति का दुर्बल होना, सेकंड हूणों का आक्रमण, थर्ड प्रांतीय शासकों का विद्रोह एंड फोर्थ सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो गुप्त वंश के पतन का कारण क्या नहीं है दोस्तों, डी वाला नहीं है, सत्ता के नियंत्रण के लिए उनमें आर्थिक कलह कभी भी नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए अंकित करवाया है। फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय एंड फोर्थ ऑप्शन स्कंदगुप्त। हमसे पूछा जा रहा है किस शासक ने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए अंकित करवाया है। तो दोस्तों, वह शासक समुद्रगुप्त था। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक विषय एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। फर्स्ट ऑप्शन आर्यभट्ट, सेकंड ऑप्शन वराह मिहिर, थर्ड ऑप्शन ब्रह्मगुप्त एंड फोर्थ ऑप्शन धन्वंतरी। तो दोस्तों वह भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। वह विद्वान था दोस्तों आर्यभट्ट। आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम नवनीतकम का संबंध है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है फर्स्ट ऑप्शन खगोल शास्त्र से, सेकंड ऑप्शन गणित से, थर्ड ऑप्शन चिकित्सा से एंड फोर्थ ऑप्शन धातु विज्ञान से। तो दोस्तों गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? इसका संबंध है दोस्तों चिकित्सा से। आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तांबे का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। फर्स्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपका फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, थर्ड ऑप्शन रामगुप्त एंड फोर्थ ऑप्शन स्कंदगुप्त। तो हमसे पूछा जा रहा है कि चांदी का सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों तांबे का सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक जो है वो रामगुप्त था। आपका थर्ड वाला जो है ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में शासक हैं, सूची सेकंड में उनके अभिलेख हैं। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त एंड बुद्धगुप्त। तो दोस्तों समुद्रगुप्त के अभिलेख का नाम है प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख का क्या नाम है मेहरौली लौ स्तंभलेख, स्कंदगुप्त के अभिलेख का नाम भीतरी स्तंभलेख एंड बुद्धगुप्त के स्तंभ का नाम पहाड़पुर ताम्रपत। तो आपका दोस्तों कन्फर्म हो गया कि प्रयाग प्रशस्ति किसका अभिलेख है, समुद्रगुप्त का, मेहरौली लौ स्तंभलेख किसका है चंद्रगुप्त द्वितीय का, भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त का एंड पहाड़पुर ताम्रपत जो है वो बुद्धगुप्त का है। यानी ए का एक, बी का दो, सी का तीन एंड डी का चार। ऐसा क्रम आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, ए का एक, बी का दो, सी का तीन एंड डी का चार। यानी आपका दोस्तों फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में मुद्रा के प्रकार हैं, सूची सेकंड में शासक हैं। सुमेलित करिए में क्या है, एक तरफ मुद्रा के प्रकार हैं और एक तरफ उनके शासक हैं। कुमार देवी प्रकार, सेकंड वीड़ा वादन प्रकार, थर्ड चक्र विक्रम प्रकार एंड फोर्थ कार्तिकेय प्रकार। तो अभी वीड़ा बजाते हुए किसने अपने सिक्कों में अंकित करवाया था, समुद्रगुप्त ने। एंड कुमार देवी प्रकार का सिक्का किसका है, चंद्रगुप्त फर्स्ट का। चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय के। एंड कार्तिकेय प्रकार का सिक्का विष्णुगुप्त का है। यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट के सिक्के का नाम कुमार देवी प्रकार, समुद्रगुप्त के सिक्के का नाम वीड़ा वादन प्रकार, चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के का नाम चल विक्रम प्रकार एंड कुमार गुप्त फर्स्ट के सिक्कों का नाम कार्तिकेय प्रकार है। यानी यहाँ भी ए का एक, बी का दो, सी का तीन एंड डी का चार होना चाहिए। तो देखते हैं ए का एक, बी का दो, सी का तीन एंड डी का चार। यानी आपका दोस्तों जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है शासक एंड सूची सेकंड में है उपाधि, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। इन लोगों ने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की थी उसी को हमें मैच करवाना है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट की उपाधि क्या है दोस्तों, महाराजाधिराज है। स्कंदगुप्त समुद्रगुप्त की उपाधि क्या है दोस्तों, अश्वमेघ पराक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि परम भागवत एंड स्कंदगुप्त की उपाधि सक्रोपम। यानी महाराजा धीराज किसकी उपाधि है दोस्तों, चंद्रगुप्त फर्स्ट की, अश्वमेघ पराक्रम, समुद्रगुप्त की परम भागवत, चंद्रगुप्त द्वितीय की एंड स्कंद सक्रोपरम जो है वो स्कंदगुप्त की उपाधि है। तो दोस्तों यहाँ भी ए का एक, बी का दो, सी का तीन एंड डी का चार हो रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन। देखिए ए का एक, बी का दो, सी का तीन एंड डी का चार। आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में शासक हैं, सूची सेकंड में उनकी पत्नियां हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट, रामगुप्त, समुद्रगुप्त एंड रुद्रसेन। इनकी पत्नियों के बारे में हमें पता करना है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, कुमार देवी जो कि लिच्छवी की थी। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी एंड रुद्रसेन की पत्नी का नाम प्रभावती गुप्ता था। यानी कुमार देवी किसकी पत्नी थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट की, ध्रुव देवी, रामगुप्त की, दत्त देवी, समुद्रगुप्त की एंड रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्ता इनकी पत्नी थी। तो यानी ए का एक, बी का दो, सी का तीन एंड डी का चार किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों,
ए का एक, बी का दो, सी का तीन एंड डी का चार, यानी आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय एंड फोर्थ ऑप्शन स्कंदगुप्त। तो दोस्तों जो शासक था जिसने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों को विजय की थी वह कौन था? वह शासक समुद्रगुप्त था। आपका बी वाला जो ऑप्शन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वराज्योच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? सर्वराज्योच्छेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की? फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, थर्ड ऑप्शन समुद्रगुप्त एंड फोर्थ ऑप्शन स्कंदगुप्त। तो दोस्तों आपको परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? किसने अंतिम शक शासक रुद्रसेन तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से अनुमूलन किया? फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, थर्ड ऑप्शन समुद्रगुप्त एंड फोर्थ ऑप्शन स्कंदगुप्त। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। आपका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दोस्तों रचनाकार हैं एंड सूची सेकंड में उनकी रचनाएं हैं। आर्यभट्ट की रचना, धन्वंतरी की क्या रचना है? ब्रह्मगुप्त की एंड वराहमिहिर की। तो दोस्तों आर्यभट्ट की रचना का नाम आर्यभट्टीय है, धन्वंतरी की रचना का नाम नवनीतकम है, ब्रह्मगुप्त की रचना का नाम ब्रह्म सिद्धांत है एंड वराहमिहिर की नीति वो पुस्तक का नाम पंचसिद्ध सिद्धांतक है। तो दोस्तों यानी आर्यभट्टी पुस्तक किसकी है? आर्यभट्ट की नवनीतकम, धन्वंतरी की ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त की एंड पंच सिद्धांतक किसकी है? वराहमिहिर की है। यानी ए का एक, बी का दो, सी का तीन एंड डी का चार, यही क्रम आपको मिल रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ए का एक, बी का दो, सी का तीन एंड डी का चार। आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुल ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार सख्त शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, दूसरी बार किसने करवाई? फर्स्ट ऑप्शन समुद्रगुप्त, सेकंड ऑप्शन रामगुप्त, थर्ड ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय एंड फोर्थ ऑप्शन कुमारगुप्त। तो दोस्तों इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने करवाई थी। आपका जो बी वाला ऑप्शन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में प्रशासकीय विभाजन है, सूची सेकंड में जो है उसके प्रशासक हैं। तो देखिए सूची फर्स्ट में क्या है? मुक्ति या फिर प्रांत, विषय में जिला, वो बी विषय या फिर जिला, थर्ड नगर एंड फोर्थ ग्राम। तो दोस्तों इसके प्रमुखों को क्या बोला जाएगा? मुक्ति के प्रमुख को क्या बोलते थे? उपारिक बोलते थे। विषय के प्रमुख को विषयपति, नगर के प्रमुख को नगरपति एंड ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक बोलते हैं। यानी ए का क्या हो गया? एक, बी का दो, सी का तीन एंड डी का चार। यानी ए का एक, बी का दो, सी का तीन एंड डी का चार। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? महासंधि विग्रहक, युद्ध व शांति का मंत्री, सेकंड महादंड नायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी महाश्वपति से गत सेना का अध्यक्ष। तो दोस्तों इसमें से आपका जो डी वाला है यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी क्या है? सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में दोस्तों क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, अपराध भूमि एंड खेल भूमि, इसको किस में मिलाना है? जो आज मतलब इसकी जो मूल शब्द था उसका क्या हो जाएगा? क्षेत्र भूमि किसे कहते थे? कृषि योग्य भूमि को कहते थे। वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि को, अपराध भूमि जंगली भूमि को, खिल्य भूमि जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को बोला जाता है। तो कृषि योग्य भूमि को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षेत्र भूमि, निवास योग्य भूमि को वास्तु भूमि, जंगली भूमि को अपराहत भूमि एंड कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को हम खिल्य भूमि बोलते हैं। यानी ए का एक, बी का दो और सी का तीन एंड डी का चार, ये क्रम आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों? ए का एक, बी का दो, सी का तीन एंड डी का चार। आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रयाग, प्रशस्ति, रवि, कीर्ति, किरात, जुर्नियम, भारवी, दस कुमार, चरितम, दंडिनी, एन मृक्षकटिकम, शूद्रक। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है यही सही नहीं सुमेलित है। प्रयाग प्रशस्ति के राइटर हरिशेण है, रवि कीर्ति नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है? वाग, भट्ट, अष्टांग हृदय, कामदंड, कामंदक, नीतिसार, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, भृतहार, मेघदूतम। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है यही नहीं सही है। कालिदास, मेघदूतम के राइटर कौन है? कालिदास है। आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में श्रेष्ठि, सार्थवाह, कुलिक एन कायस्थ हैं। सूची सेकंड में उनका मूल नाम है। तो दोस्तों श्रेष्ठी किसको कहते थे? साहूकार को बोला जाता था उस समय। सार्थवाह व्यापारी को बोलते थे। कुलिक जो है कृषि या फिर शिल्पकार को बोलते थे। एनकारी कायस्थ जो है वो लेखक को बोलते थे। तो साहूकार को क्या बोलते थे गुप्त काल में? श्रेष्ठि। व्यापारी को सार्थवाह, शिल्पी या कारीगर को कुलिक एंड लेखक को कायस्थ बोला जाता था। यानी यहाँ भी ए का एक, बी का दो, सी का तीन एंड डी का चार वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिहिर कुल का संबंध था, मिहिर कुल का संबंध था। फर्स्ट ऑप्शन गुप्त, सेकेंड ऑप्शन हूण, थर्ड ऑप्शन कुषाण एंड फोर्थ ऑप्शन मौखरी। तो दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि जो मिहिर कुल है ये कहाँ का था? तो दोस्तों मिहिर कुल जो है वो हूण था। आपका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। फर्स्ट ऑप्शन मौर्य, सेकंड ऑप्शन गुप्त, थर्ड ऑप्शन मौखरी एंड फोर्थ ऑप्शन कुषाण। हमसे पूछा जा रहा है कि कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, तो कौन थे दोस्तों? मौखरी थे। आपका थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजा की जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। फर्स्ट ऑप्शन स्कंदगुप्त, सेकंड ऑप्शन समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन चंद्रगुप्त एंड फोर्थ ऑप्शन कुमारगुप्त। हमसे पूछा जा रहा है वह राजा कौन सा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो दोस्तों वह राजा चंद्रगुप्त था। आपका सी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो टॉपिक था गुप्त काल आज यहीं पे समाप्त हो गया। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।